कोरोना वायरस पर काबू पाने हुकूमत कर्नाटक ने जारी किए 200 करोड़, बंद 31 मार्च तक जारी रहेगा। कर्नाटक असेंबली से चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा का बयान। चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा की जेर सदारत आज विधानसौधा बेंगलोर में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासत में कोरोना वायरस से निमटने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा ने आज रियासती असेंबली में काबीना के फैसलों से वाकिफ करवाते हुए बताया कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए हंगामी इकदामात अंजाम देने 200 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस से निमटने के लिए खसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सी अश्वथ नारायण, वजीर सेहत बी श्री रामलो, वजीर तिब्बी तालीम डॉक्टर के सुधाकर, वजीर दाखला बसवराज बोमाई और रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी टी एम विजय भास्कर टास्क फोर्स में शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा ने मजीद बताया कि काबीना के इजलास में ये भी तय किया गया कि बैरूनी ममालिक से आने वाले तमाम मुसाफरीन को अलग थलग यानी क्वारंटाइन में रखा जाए। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए जिन एहतियाती इकदामात यानी स्कूल कॉलेजस होटलें दुकानें वगैरह बंद रखने के इकदामात पर अमल आवरी में 31 मार्च तक तौसी करने का काबीना के इजलास में फैसला लिया गया। रियासत में बर्ड फ्लू, मंकी फ्लू और दीगर बीमारियों के तदारुक के इकदामात भी किए जा रहे हैं।